लेकिन जिस्म के जो हिस्से बाहर नजर आते हैं उनकी केयर सबसे ज्यादा अहम होती है। जैसे कि पांव, साफ सुथरे पांव शख्सियत का आईना होते हैं। अक्सर जगहों पर ऐसे लोग भी नजर आते हैं जिनका लिबास और मेकअप तो बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनके पांव गलीज, एड़ियां फटी हुई और मैल से भरी या काली लकीरें पड़ी होती हैं। इसलिए हर इंसान को पांव की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। आज आपको बता रही हूँ ऐसा जादुई टोटका जो सिर्फ 10 मिनट में आपके पांव को खूबसूरत और नरम मुलायम बना देगा। इससे पहले कि मैं आपको आज के इस जादुई टोटके के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोस सबसे पहले मिल सके। और इस टोटके के इंग्रेडिएंट्स हैं: कच्चा दूध 4 खाने के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, बेसन 1 खाने का चम्मच और 1 नींबू के बीज। आप इन बीजों को पीस लें। इस टोटके को बनाने का तरीका ये है कि इन सब चीजों को मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को पांव पर मले, रोजाना ये अमल करें। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड जितने मसाइल को हल करके खुश्क जेल को नम करता है, धूप से जली स्किन को हील करके एक्नी खत्म करता है। कच्चे दूध में स्किन को साफ करने की बेहतरीन सलाहियत पाई जाती है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो स्किन को एक नेचुरल ग्लो देते हैं। मशरक में तकरीबन हर ब्यूटी प्रोडक्ट में हल्दी जरूर पाई जाती है। इसके अलावा बेसन हमारे जिल्द में मौजूद मुर्दा खुलिये और चिकनाई को खत्म करता है और हमारी स्किन को हमवार और टाइट बनाता है। बेसन में ये खसूसियात भी है कि ये स्किन के खुले मसामों को बंद करता है, जबकि बहुत कम लोगों को मालूम है कि लीमू के बीज में भी जिल्द को गोरा करने की बेहतरीन सलाहियत है। ये स्किन को ऐसा निखार देते हैं जो हमेशा कायम रहता है। आप ये टोटका जरूर आजमाएं। इसको करने के बाद आपको ब्यूटी पार्लर जाकर पेडीक्योर करवाने की जरूरत भी नहीं रहेगी। सो गाइस, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती